रात उमरेड थाना क्षेत्र में लुटेरों के गिरोह ने सब इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं तो हमलावरों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पुलिस वाहन को भी टक्कर मारकर पुलिस इंस्पेक्टर को लोहे के रॉड से प्रहार कर घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस को संदेह है कि वारदात में मेवात की गैंग का हाथ है। फिलहाल इस मामले की आगे की जांच जारी है। बीती रात करीब 2 बजे के दरमियान उमरेड पुलिस की टीम के PSI बंटूलाल पांडे, पुलिस सिपाही तिलक रामटेके, प्रदीप चौरे आदि डायल 112 सरकारी वाहन से रास्ते में गश्त पर थे। उमरेड शहर के मोहपा रोड पर रात करीब 2 बजे के दरमियान एक कंटेनर उन्हें खड़ा हुआ दिखाई दिया। शक के आधार पर गश्ती दल ने कंटेनर के पास दबिश दी, तभी किसी ने कैबिन से सफेद रंग का बोरा फेंका। गश्ती दल ने पूछताछ के लिए कैबिन में आवाज लगाई तो चालक कंटेनर सहित भागने लगा। गश्ती दल ने डायल 112 वाहन से करीब 18 किलोमीटर तक उसका पीछा किया। मांडवा परिसर के जंगल में कंटेनर रुका हुआ दिखाई दिया। पुलिस वाहन को देखते ही कंटेनर के चालक ने रिवर्स लेकर पुलिस की गाड़ी को ही टक्कर मार दी और गाड़ी का नुकसान किया। आपको बता दें कि PSI पांडे व उनके सिपाही प्रदीप चौरे और तिलक रामटे के गाड़ी से नीचे उतरे तो कंटेनर में बैठे 25 से 30 साल के 5 से 7 अज्ञात लोगों ने हथियार व डंडे से फरियादी के हाथ और पैरों पर जोरदार प्रहार किया। सिपाही प्रदीप चौरे की पीठ पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। फरियादी PSI बट्टूलाल पांडे की शिकायत पर उमरेड पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा, सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाने एवं हत्या का प्रयास आदि के तहत अज्ञात 6 आरोपियों के खिलाफ 307, 353, 332, 143, 148 और 149 के तहत उमरेड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। फ्लिपकार्टच्या कंपनीमध्ये घरफोडी करून काही गुन्हेगार माल घेऊन रोडच्या बाजूला त्या मालाच्यातील काही छाटणी करून काही बोरे फेकत होते, तेव्हा आमचे PSI बट्टूलाल पांडे आणि त्यांच्यासोबत 2 कर्मचारी हे पेट्रोलिंग करताना त्यांना संशय आला आणि त्यांनी त्या कंटेनरची माहिती घेण्यासाठी ते त्या गाडीकडे जेव्हा गेले तेव्हा आरोपी गाडीमध्ये बसले, परंतु आमच्या लोकांना संशय असा होता की त्या जागेवरती काही त्यांनी ज्या बोरी फेकल्या त्यामध्ये काय संशयास्पद काय आहे, काय फेकून चालले, त्यामुळे एक कर्मचारी त्या गाडीतून उतरला आणि PSI पांडे आणि त्याच्यासोबतचा एक कर्मचारी यांनी त्या गाडीचा पाठलाग चालू केला। बरोबर जवळजवळ 20 किलोमीटर पाठलाग केला असतानंतर मांडवा गावाच्या पुढे 3 किलोमीटर या ठिकाणी डोंगर दऱ्यामध्ये त्यांनी तो कंटेनर उभा केला आणि आमच्या टीमची लोक त्यामधून उतरले असताना त्यांच्यावरती सुद्धा त्यांनी हल्ला केला। त्यामध्ये प्रथम त्यांनी दगडफेक केल्यामुळे आमचा अधिकारी कर्मचारी भांबावले की नेमकं पुलिसवर ते कसं काय अटॅक करतायत। त्या एवढ्या थोड्याच कालावधीमध्ये त्यांनी त्याच्या ओळख कदाचित मला असं वाटतं सिव्हिल ड्रेसवरती पांडे असल्यामुळे DBला काम करत असल्यामुळे ओळखले नसावं किंवा त्यांच्याकडे वेपन किंवा इतरही ओळखीसारखे नसल्यामुळे त्यांच्यावरती अंधारात अटॅक झाला आणि त्यामुळे त्यांच्या पायाला मार लागलेला आहे। त्या गुन्ह्याचा आम्ही बारकाईने तपास करत आहोत, निश्चितपणे आरोपी तातडीने त्यामध्ये अटक केली जातील। यामध्ये फ्लिपकार्ट कंपनीचा जो गोडाऊन आहे तिथल्या त्यांचीसुद्धा आम्ही कंप्लेंट दाखल केली आहे आणि या गुन्ह्यामध्ये 307, 332, 143, 147, 148, 149 प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला आहे। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।